भारत और मालदीव के बीच इन दिनों खटास आई हुई है। भारत में सोशल मीडिया पर लगातार मालदीव का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुन इन दिनों चीन के दौरे पर है। भारत की ओर से भारी बहिष्कार को देखते हुए मुइज्जुन ने चीन से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा चीनी पर्यटक मालदीव घूमने आए। चीन की आधिकारिक यात्रा पर आए मुइज्जुन फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चीन को मालदीव का निकटतम सहयोगी बताया। उन्होंने कहा, चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगी और विकास साझेदारों में से एक बना हुआ है। मालदीव की आधिकारिक वेबसाइट में पोस्ट की गई कि कोविड से पहले चीन हमारा यानी मालदीव का नंबर वन बाजार था और मेरा अनुरोध है कि हम चीन की इस स्थिति को फिर से हासिल करने की कोशिश तेज करें। मुइज्जुन ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना की सराहना की और इसमें शामिल होने की इच्छा जताई। दोनों देशों ने हिंद महासागर द्वीप पर एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए $50 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। गौर करने वाली बात है कि मुइज्जुन की अपील ऐसे वक्त में सामने आई जब भारतीयों द्वारा मालदीव टूरिज्म का बहिष्कार किया जा रहा है। भारत के कई सेलिब्रिटी बीते दिनों सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने की अपील कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर राजनयिक विवाद पैदा होने के बाद भारतीय पर्यटकों द्वारा रिजर्वेशन कैंसिल करने की घटनाओं के बीच मुइज्जुन की अपील सामने आई है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इनके बाद उन्हें इस दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीरें शेयर करते ही उन्होंने भारतीयों से अपील की कि वह इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की मंत्री मरियम सिउना ने PM मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक वीडियो के जवाब में मालदीव के युवा मंत्रालय के 3 उपमंत्री मालसा शरीफ, मरियम सिउना और अब्दुल्ला महमूद माजिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत और PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि कड़ी आलोचना के बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन बाद में मरियम सिउना समेत 3 मंत्रियों को मालदीव की सरकार ने निलंबित कर दिया। भारत से भारी संख्या में टूरिज्म मालदीव जाते हैं। साल 2023 में कुल 17,57,939 टूरिस्ट मालदीव गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतीय की थी। वर्ष 2023 में भारत से 209,198 लोग मालदीव घूमने गए। भारत के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग मालदीव घूमने जाते हैं। इससे पहले साल 2022 में 2.41 लाख, 2021 में 2.91 लाख और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान 63,000 भारतीय मालदीव घूमने गए थे। भारत के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग मालदीव घूमने जाते हैं। इससे पहले साल 2022 में 2.41 लाख, साल 2021 में 2.91 लाख और साल 2020 में महामारी के दौरान 63,000 भारतीय मालदीव घूमने गए थे। NP टाइम्स की रिपोर्ट।